मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 सेक्शन 2DD की बात करें तो इसमें आपका एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी हुई है कि एम्प्लॉय में कौन कौन पर्सन आपके कवर होंगे। नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे रेलवे जो एम्प्लॉय है वो आपका एम्प्लॉय उसमें कवर होगा, जो रेलवे सर्विस मैन है, या फिर कोई क्रू या शिप, क्रू ऑफ शिप या फिर क्रू ऑफ एयरक्राफ्ट, तो वो भी आपका एम्प्लॉय में कंसिडर किया जाएगा। ड्राइवर है, हेल्पर है, कोई मैकेनिक है मोटर व्हीकल्स का, तो वो भी आपका एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा। भी इसमें सेक्शन में दिए हुए हैं कि जिनको एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा। अगर एम्प्लॉयर की बात करें तो एम्प्लॉयर का आपका सेक्शन 2E में दिया हुआ है, तो उसमें बताया गया एम्प्लॉयर कौन होगा। एम्प्लॉयर जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुई, या फिर आपका कोई कॉरपोरेट हुई, या फिर कोई भी मैनेजिंग एजेंट जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा अपॉइंट किया गया है काम कराने के लिए, तो वो आपका हो, या कोई भी जो डिजीज एम्प्लॉयर है, मतलब एम्प्लॉयर जो डिजीज एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर मर गया है उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको भी आपका क्या एम्प्लॉयर ही कंसिडर किया जाएगा। फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉई जो एम्प्लॉई होते हैं, जो वर्कमैन होते हैं, उनको हायर करता है किस चीज के लिए, कि किसी दूसरे पर्सन के अंडर काम कराने के लिए। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो ठेकेदार होता है, जैसे ठेकेदार होते हैं वो एम्प्लॉई कुछ मतलब कि आदमियों को ढूंढते हैं और फिर वो ठेका लेते हैं और वहां पर काम कराते हैं किसी के अंडर किसी कंपनी में, तो इस तरह से वो भी आपका एम्प्लॉयर एज ए एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा। बात करते हैं कि डिसेबलमेंट क्या होता है। डिसेबलमेंट का मतलब है, डिसेबलमेंट का मतलब है कोई भी ऐसी इंजरी या कोई भी मतलब कि लॉस ऑफ कैपेसिटी, जो पर्सन की जो कैपेसिटी है काम करने की या एक जगह से दूसरी जगह जाने की, उस कैपेसिटी में कमी होना, जिसकी वजह से उसे जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है उसमें घाटा हो, उसमें कमी हो या उसका लॉस हो। अब वो जो लॉस है वो परमानेंट हो सकता है या टेम्परेरी हो सकता है, जो इंजरी है वो पार्शियल हो सकती है इंजरी, डिसेबलमेंट जो है, या फिर टोटल आपका डिसेबलमेंट हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज जो एम्प्लॉय की या वर्कमैन की काम करने की कैपेसिटी को कम कर दे, जिसकी वजह से जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, मतलब कि जो जो पहले जितना कमाता था उतना नहीं कमा पाए, उससे कम कमा पाए, या उस खत्म ही हो जाए पूरी तरह से। अब ये जो डिसेबलमेंट है ये परमानेंट हो सकती है, टेम्परेरी हो सकती है, पार्शियल हो सकती है, या फिर टोटल डिसेबलमेंट हो सकती है। बात करते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है। पार्शियल डिसेबलमेंट आपका सेक्शन 2G में दिया हुआ है। इसका मतलब है ऐसी डिसेबलमेंट जो रिड्यूस कर दे अर्निंग कैपेसिटी को उस एम्प्लॉय की किसी एक्सीडेंट की वजह से, मतलब एक्सीडेंट होने की वजह से वो पर्सन जितना पहले कमा पा रहा था उतना नहीं कमा पाए, तो या फिर उसकी जो क्षमता है उसको कम कर दे, ये आपका पार्शियल डिसेबलमेंट है। इसको दो पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है, टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब है यहाँ पर कि जो एम्प्लॉय की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करना, उसका कम होना किसी एक्सीडेंट की वजह से, जिसकी वजह से वो जिस एम्प्लॉयमेंट में पहले एंगेज था और जितनी वो अर्निंग तब करता था वो अब ना कर पाए। मतलब यहाँ पर जो टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी में सेम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है, मतलब कि जो कार्य है वो एक्सीडेंट होने से पहले कर रहा था, तो जो जितना उसे वहां से मिल रहा था, जहां से जितना वो उससे कमा रहा था, तो उस एक्सीडेंट होने की वजह से वो उसी जॉब से इतना ना कमा पाए, तो ये है आपका टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी एबलमेंट। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब है कि जो पर्सन है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब है के कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होने की वजह से वो एम्प्लॉय की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाए किसी भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इन एवरी एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई भी अगर वो ऐसा कार्य करता है, कोई भी वो ही नहीं कि जिसमें जॉब कर रहा वो नहीं, कि कोई भी ऐसा दूसरा कार्य अगर करता है कि अगर वो ठीक होता तो वहां से जितना कमा सकता था, तो एक्सीडेंट होने की वजह से वो अब वो किसी भी उस एम्प्लॉयमेंट से जो है नहीं कमा सकता। टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी में इन एम्प्लॉयमेंट सेम एम्प्लॉयमेंट की बात करी है, और जहां पर वो पहले एंगेज था ऑलरेडी काम कर रहा था वो ना कर पाए, और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में कि किसी भी तरह का जो कोई भी एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं कर पाए, उसमें कमी आना, उसकी वजह से वो ठीक तरह से काम ना कर पाए, जितना पहले कमाता अगर वो ठीक होता तब, तो अब वो उतना नहीं कमा सकता।
परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी की अगर बात करें तो शेड्यूल वन के सेकंड पार्ट है उसमें 50 इंजरीज दी हुई हैं कि जो आपका परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के अंदर आती हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल है जैसे आपका थंब का लॉस होना, लॉस ऑफ फोर फिंगर ऑफ वन हैंड, लॉस ऑफ थ्री फिंगर ऑफ वन हैंड, लॉस ऑफ टू फिंगर ऑफ वन हैंड, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। तो इसमें ऑलरेडी इसमें जो है परसेंटेज मैंशन की गई है। आप अगर आप शेड्यूल में देखेंगे, शेड्यूल वन के सेकंड पार्ट में अगर देखेंगे तो उसमें परसेंटेज मेंशन की गई है कि इससे कितनी इंजरी होगी, कितने परसेंट इंजरी मानी जाएगी। तो जैसे आपका इंजरी मैंने बताया थी लॉस ऑफ थंब, तो इसको 50% इंजरी में कंसिडर किया जाएगा। टोटल डिसेबिलिटी की बात करें तो टोटल डिसेबिलिटी आपका सेक्शन 2 के सब क्लोज एल में दिया हुआ है। तो टोटल डिसेबलमेंट है वो आपका टेम्परेरी हो सकती है कुछ टाइम के लिए, या परमानेंट भी आपकी हो सकती है। टोटल डिसेबिलिटी का मतलब है कि पर्सन जो जब वो एक्सीडेंट से पहले मतलब किसी भी काम को करने के लिए सक्षम हो, पर एक्सीडेंट होने के बाद वो कोई भी कार्य करने के लायक ना रहे, इन उसकी कैपेसिटी ना रहे कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो जिसे कर रहा है वो या फिर जिस काम में एंगेज है वो या कोई दूसरा वर्क हो, किसी भी काम को करने के लिए उसकी कैपेसिटी ना रहे, तो उसको टोटल डिसेबलमेंट कहा जाता है। इस टाइप की जो इंजरी है वो शेड्यूल वन के पार्ट वन में मेंशन की गई है, जिसमें कि 6 इंजरी आपकी दी गई है। में जो एग्जांपल है जैसे कि आपका दोनों दोनों हाथों का कटना या एक हाथ एक पैर का कटना, इस टाइप की जो इंजरी है इनके लिए जो है इनको आपका 100% आपका माना गया है, ये टोटल डिसेबिलिटी में आएंगी। साथ में ये भी हो सकता है कि अगर किसी पर्सन को एक से ज्यादा मतलब की इंजरी हो सकती है, तो अगर अगर किसी पर्सन को परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है और एक से ज्यादा होती है, और उनका परसेंटेज का जो एग्रीग्रेट है मतलब कि जो लॉस परसेंटेज का जो एग्रीग्रेट है वो 100% से ज्यादा बैठता है, तो उसको उस पर्सन को ऐसा ट्रीट किया जाएगा जैसे कि उस पर्सन को टोटल डिसेबलमेंट हुआ हो, मतलब कि वो पार्शियल आपका परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी जो है डिसेबलमेंट जो है टोटल डिसेबलमेंट के अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो अगर किसी पर्सन का जो फोर फिंगर है एक एक हाथ की जो फोर फिंगर है वो लॉस हो गई है, वो कट गई है, और जो दूसरा हाथ है वो पूरा कट गया है, तो इनकी जो अगर परसेंटेज बात करें तो चार उंगलियां कटने का जो परसेंटेज है वो 50% है, और जो हाथ कटने का जो परसेंटेज है वो 60% है, तो अगर दोनों का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 110, तो 100 से ज्यादा हो गई, या तो 100% हो या फिर 100% से ज्यादा का लॉस हो, तो उस केस में जो वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है वो आपका टोटल डिसेबलमेंट बन जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। तो सेक्शन 3 जो आपका बात करता है वो कहता है कि एम्प्लॉयर की लायबिलिटी कब बनेगी कंपनसेशन देने की एम्प्लॉय को, मतलब कि किन केस में क्या चीज होना जरूरी है कि जब जो एम्प्लॉयर है वो उसकी लायबिलिटी बनेगी कंपनसेशन देने के लिए। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, उनका फुलफिलमेंट होना जरूरी है, वो कंडीशन फुलफिल होंगी तभी जो एम्प्लॉयर है उसका दायित्व बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो एम्प्लॉय को कंपनसेट करें। कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो पहली कंडीशन है पर्सनल इंजरी, मतलब जो एम्प्लॉय है उसको कोई ना कोई पर्सनल इंजरी होनी चाहिए और वो एम्प्लॉय होना चाहिए, मतलब जिस पर्सन को इंजरी हुई है वो पर्सन एम्प्लॉय होना चाहिए और इसको कोई ना कोई इंजरी होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है वो इंजरी जो होनी चाहिए किसी ना किसी एक्सीडेंट की वजह से होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन है वो एक्सीडेंट या वो इंजरी इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो होनी चाहिए, कि मतलब वो वर्कमैन जो है काम पर होना चाहिए तब वो इंजरी होनी चाहिए एक्सीडेंट के द्वारा, उस इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो पर्सन की एम्प्लॉय की, या फिर उसको टोटल या फिर पार्शियल डिसेबिलिटी हो, उसको जो टोटल और पार्शियल डिसेबिलिटी है वो कम से कम एटलीस्ट 3 दिन से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन चारों कंडीशन आपकी फुलफिल होती हैं उस केस में एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बनती है कि वो एम्प्लॉय को कंपनसेट करे। अब बात करते हैं कि कौन से किस केसों में जो एम्प्लॉयर है उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। पहला है कि अगर जो एम्प्लॉय है उसको टोटल या पार्शियल जो डिसेबिलिटी हुई है वो 3 दिन से कम की है हुई है, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर वो ठीक हो जाता है 3 दिन से पहले पहले ही, तो उस केस में वो चीज कंपनसेट नहीं करेगा एम्प्लॉयर। दूसरा आपका अगर जो एम्प्लॉय है वो
शराब पी के या कोई भी नशे की चीज लेके ऐसे काम कर रहा है और उस वजह से उसको एक्सीडेंट हुआ है और उसे चोट लगी है, तो उसकी वजह से मतलब अगर वो शराब पिएगा या फिर कोई भी नशीली चीज लेगा, ड्रग्स लेगा, तो उस केस में भी वो चीज कवर नहीं होगा आपका और एम्प्लॉय की लायबिलिटी नहीं बनेगी उसको कंपनसेट करने की। थर्ड है, जो एम्प्लॉई है वो डिसओबे करता है जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर लिखे हुए हैं या ऑर्डर जो दिए हुए हैं, जो डायरेक्शन दिए हुए हैं या जो भी रूल है उसकी सेफ्टी से रिलेटेड, मतलब कि आपको ये यूज करके, ये सेफ्टी अपना के, ये पहन के ये करना है काम, या जो भी डायरेक्शन दिए हुए हैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है और तब उसको इंजरी पहुंचती है, तो वो भी आपका कवर नहीं होगा। उसके बाद अगर एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कोई भी सेफ्टी डिवाइस है उसको नहीं पहनता है या उसको पहन रखा है उसको हटा देता है अपनी मर्जी से और उस टाइम पर उसको चोट लग जाती है, तो उस केस में भी आपका ये कवर नहीं होगा, मतलब एम्प्लॉयर जो है उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी एम्प्लॉय को कंपनसेट करने की। बात करते हैं सेक्शन 4 की, कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे पे किया जाएगा। अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन मतलब कैसे कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना पे किया जाएगा, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आप शेड्यूल 4 के फर्स्ट और सेकंड कॉलम को अगर देखेंगे तो शेड्यूल 4 के फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आपका क्या दिया होगा, फर्स्ट कॉलम में आपको एज दी गई है और सेकंड कॉलम में आपको रिलीवेंट फैक्टर दिए हुए हैं। जैसे कुछ आपको बताता हूँ, जैसे 18 एज पे जो रिलीवेंट फैक्टर होगा वो होगा 226.28, 19 एज पर होगा 225.22, तो इस तरह से एज वाइज जो है रिलीवेंट फैक्टर आपके ये दिए हुए हैं पूरे। कि अगर इम्प्लॉय की ये एज हुई इंजरी के टाइम पर, उसको एक्सीडेंट के टाइम पर, तो उसका रिलीवेंट फैक्टर ये होगा। अब ये मैं आगे बताऊंगा कि इस रिलीवेंट फैक्टर का यूज क्या होगा। कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इम्प्लॉय है जो वर्कमैन है उसकी इंजरी की वजह से डेथ हो जाती है तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में जो भी उसका वेजेस होगा, वेजेस के बारे में सबसे पहले आपको एक चीज और बताता चलूं कि जो वेजेस होगा या फिर जो बेसिक सैलरी होगी वो 8,000 से कम नहीं होगी, सॉरी सॉरी जी, जो मंथली वेजेस होगी वो 8,000 से ज्यादा कंसीडर नहीं की जाएगी। मतलब कि अगर उसकी बेसिक सैलरी मतलब वेजेस या वेजेस जो है उसकी 8,000 से ज्यादा है तो उस केस में 8,000 तक ही वो आपकी उसकी मानी जाएगी, या फिर 8,000 से नीचे अगर है तो उतनी मानी जाएगी जितनी है, तो मतलब 8,000 से ऊपर नहीं कंसिडर की जाएगी। डेथ के केस में कैलकुलेशन कैसे होगी, डेथ के केस में कैलकुलेशन होगी कि जो भी उसकी वेजेस है, जो बेसिक सैलरी है उसका 60% अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा और जो अमाउंट आएगा उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग, मतलब इंजरी के टाइम पर उसकी क्या एज है और क्या रिलीवेंट फैक्टर है उसके सामने, उस एज के सामने, तो अब यहाँ पर वो कंसिडर किया जाएगा रिलीवेंट फैक्टर, तो उस एज के सामने क्या रिलीवेंट फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब जो रिलीवेंट फैक्टर है उसको उठाएंगे और जो उसका बेसिक सैलरी है उसका 60% को उस रिलीवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका जो है उसका अमाउंट आ जाएगा कंपनसेशन का। ये अमाउंट जो है या फिर 1,40,000, जो भी दोनों में से ज्यादा हो, मतलब कि जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है उसके 60% ऑफ बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई जो रिलीवेंट फैक्टर है तो उसका जो अमाउंट आएगा वो, या फिर 1,40,000, दोनों में से विच एवर इज हायर, तो वो आपका कंसिडर किया जाएगा उसका कंपनसेशन। अब बात करते हैं जब परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में क्या होगा। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में जो उसकी बेसिक सैलरी है, जो वेजेस है वो 50, उसका 50% निकालेंगे और उसकी जो भी एज होगी उसको रिलीवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एज के एज उस जो भी उसकी एम्प्लॉय की एज होगी उसके सामने जो भी रिलीवेंट फैक्टर है तो उस रिलीवेंट फैक्टर को उठाएंगे और उसकी सैलरी का 50% निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी कंपनसेशन आएगा वो, या फिर 1,20,000, तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो, जो भी हायर हो, तो वो अमाउंट उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के बारे में। अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है इंजरी की वजह से तो इस केस में बात करते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये चीज देखी जाएगी कि उस पर्सन को लॉस ऑफ अर्निंग जो है कितनी हो रही है, मतलब पहले उसकी वेजेस कितनी थी और अब कितनी है, तो उन दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बेसिक सैलरी या उसकी वेजेस माने पहले जो थी वो 8,000 थी
और अब जो उसकी वेजेस है वो 3,000 है सपोज करिए, डिफरेंस जो आया कितने का आया, डिफरेंस आया 5,000 का, तो 5,000 जो है ये आपकी डिफरेंट से लिए, तो मतलब कि उसको परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होने की वजह से जो है 5,000 का नुकसान हो रहा है, तो उस 5,000 को जो भी डिफरेंट होगा, डिफरेंस आएगा उनमें सैलरी में, उस डिफरेंस को जितनी भी परसेंटेज उसे लॉस हुआ है उसका वो परसेंटेज निकालेंगे। और ये आपका कहाँ लिखा हुआ, ये शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में आपका मेंशन है कि अगर ये प्रॉब्लम होती है तो उसको कितने परसेंटेज वो होगा, अगर ये प्रॉब्लम होती है तो कितने परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग हो रहा है, तो उसका जो डिफरेंट सैलरी निकाली है, डिफरेंस आपस में जो डिफरेंशिएट निकाला है हमने, उस सैलरी को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि उस जो भी परसेंटेज होगी उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो जो भी परसेंटेज आएगी उसको रिलीवेंट फैक्टर से फिर आपका डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से मैं ये आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, मतलब जो सैलरी उसको पहले मिल रही होती है, जो वेजेस या बेसिक सैलरी उसको मिल रही है, सपोज करिए 8,000 उसको बेसिक सैलरी पहले मिल रही है, पर इंजरी के बाद परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के बाद जो उसकी वेजेस है वो 3,000 रुपये हो गई है, तो जो पहले मिल रही थी और जो अब मिल रही है डिसेबलमेंट के बाद, तो उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आया आपका 5,000 रुपये। अब देखेंगे कि उस जो भी उसको इंजरी हुई है उस इंजरी को शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में कितनी परसेंटेज है, तो उसकी परसेंटेज मेंशन है अलग अलग इंजरी के लिए कि अगर ये इंजरी है तो उसके लिए ये परसेंटेज है मेंशन है, तो उस सैलरी का जो हमने डिफरेंस निकाला है उसका उतने परसेंट निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर जैसे हमने 5,000 रुपये निकाले थे डिफरेंस के, अब उसका अंगूठा कट गया, जो इंजरी हुई है वो अंगूठा कट गया है, उसका थंब कट गया, तो उसका जो अमाउंट वो है वो परसेंटेज है 30%, तो हम अब 5,000 का 30% निकालेंगे, तो जो भी अमाउंट आएगा उसको रिलीवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो अमाउंट आपका जो है कंपनसेशन माना जाएगा। अब इसी में दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसमें दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो वो 1 से ज्यादा हो सकती है, तो इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा कि आपका जो है इसी तरह से अमाउंट निकालेंगे जैसे पहले हमने अमाउंट निकाला, पर वो अमाउंट जो है वो अमाउंट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटीज के कंपनसेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1,20,000 से ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में अमाउंट जो है, अगर मतलब काफी सारी इंजरी हुई है, कई सारे अलग अलग तरह की इंजरी हुई है, तो उस केस में जो अमाउंट जो जाएगा वो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का जो अमाउंट है उतने तक 1,20,000 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगर टेम्परेरी डिसेबिलिटी होती है, तो टेम्परेरी डिसेबलमेंट में वो टोटल भी हो सकती है या फिर पार्शियल भी हो सकती है, उस केस में उस पर्सन की जो भी वेजिस है या बेसिक सैलरी है उसका हाफ सैलरी उसको दी जाएगी, हाफ मंथ की, या आप कह सकते हो कि इसमें जो उसकी जो बेसिक सैलरी है जो आपकी वेजिस है उसका 25% निकालेंगे और हाफ मंथ में जो है वो पेमेंट की जाएगी, मतलब कि हर 15वें दिन में जो है उसकी पेमेंट की जाएगी, हर 15वें दिन का मतलब है महीने के, 1 महीने के 15 दिन में, 15 दिन में वो पेमेंट की जाएगी 25% ऑफ जो उसकी वेजेस सैलरी है, जो भी वेजेस है या सैलरी है उसकी 25%। एक चीज और आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि डेथ के केस में जो फ्यूनरल की जो कॉस्ट है, मतलब फ्यूनरल के लिए भी अमाउंट दिया जाएगा एक्स्ट्रा अलग से, जो कि 5,000 रुपये होगा, तो ये 5,000 जो है रुपीज जो है ये अलग से होंगे डेथ के केस में फ्यूनरल के लिए, मतलब कि उसके क्रियाकर्म के लिए। फ्रेंड्स मेरा नाम नदीम है।